क्वेश्चन नंबर 8, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पीयर, ठीक है, विच सेटल्स आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स टू ए स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पीयर. वॉट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ है. मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बैटरी लगा के एक वायर में हमने करंट फ्लो करवाना स्टार्ट किया, तो चाहे बैटरी डीसी ही क्यों ना हो, स्टार्टिंग में आपको कुछ वोल्टेज मिलता है, जो कुछ करंट मिलता है जो कि ज़्यादा होता है. धीरे धीरे वो करंट सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, करंट की वैल्यू कम हो जाती है धीरे धीरे. तो हमें वही कैलकुलेट करना है कि हमारे पास वैल्यू कितनी होगी किसकी, उस टेम्परेचर की जहाँ पे करंट सेटल डाउन हो गया है. तो इस वाले क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस क्या है, और रेजिस्टेंस निकलेगा कैसे. तो रेजिस्टेंस तो आप ओम्स लॉ से निकाल लीजिए, वी इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है. अब सवाल ये है कि आर वन और आर टू कौन सा लेंगे. तो देखिए, स्टार्टिंग जो करंट है, जहाँ करंट की वैल्यू ज़्यादा है, करंट की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ रेजिस्टेंस कम होगा, तो इनिशियल रेजिस्टेंस आपका वो हो गया, समझ में आ गई बात. और इनिशियल टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो देखिए इसमें आपके पास क्या क्या गिवन है. आई वन गिवन है, आई वन दिया है 3.2 एम्पियर, और आई टू गिवन है 2.8 एम्पियर, शायद 8 एम्पियर, ठीक है. अच्छा, V गिवन है 230 वोल्ट, और टेम्परेचर ये क्या है, इनिशियल रूम टेम्परेचर है T1, जो कि 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ से आप R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो R1 इज इक्वल टू हो गया V अपॉन I, तो 230 अपॉन 3.2, और R2 हो गया आपका 230 अपॉन 2.8. मतलब सीधी सी बात है कि अगर आपका और टेम्परेचर T2 आपको कैलकुलेट करना है, तो आपका R2 ज़्यादा होना चाहिए. तो R2 ज़्यादा तो तभी होगा जब आपका I2 कम होगा, ठीक है. तो ये वैल्यूज आ गई. अब आप अल्फा रखिए, अल्फा R2 माइनस R1, सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया अपना, अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1, ठीक है. चलिए, अल्फा की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है क्या, माइनस 4 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू क्या आ गई. R2 की वैल्यू यहां से रख देते हैं हम 230 अपॉन 2.8. देखिए आप क्या करने वाले हैं, आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद वैल्यू रखेंगे, वहां गड़बड़ हो जाएगी. इसको सीधा सीधा आप रखिए, ठीक है. तो आपको कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी और बाकी सॉल्व हो जाएगा. 230 अपॉन 2.8 और 230 अपॉन 3.2 अपॉन R1 की वैल्यू क्या हो गई, 230 अपॉन 3.2, और ये T2 माइनस 27. चलिए भाई, अब यहाँ आपने क्या किया, 230 कॉमन ले लिए यहाँ, तो 1 अपॉन 2.8 माइनस 1 अपॉन 3.2 अपॉन 230 अपॉन 3.2 इंटू T2 माइनस T1. 230 से 230 कैंसिल, ठीक है. उसके बाद ये 1.7, तो चलिए भाई यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एज इट इज है. यहाँ से क्या हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या हम पॉइंट, देखिए 2.8 है और ये 3.2 है, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 7 कॉमन ले सकते हैं, या 0.7 कॉमन ले सकते हैं, तो सॉरी 0.4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से. तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 0.4, ठीक है. 0.4 से अगर 2.8 को मैं डिवाइड करूँ तो कितना टाइम से आएगा, 1/7 माइनस 1/8. आपको बात तो समझ में आई, ठीक है. चलिए, चाहे आप इसको 10 ऊपर लेके लिख लेते तो भी कोई बात नहीं होती. और यहाँ नीचे बचा 3.2 और ये T2 माइनस T1, इससे इसको कट कर दीजिए, 8 टाइम्स कट हो जाएगा ये, ठीक है. चलिए आगे, 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए क्या आ गया, T1 की वैल्यू कितनी है, 27 है, तो इसका एलसीएम आ गया 56, और ये 8 जाएगा ऊपर,
तो देखिए एक दो तीन चार चौथा टर्म है, एट ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया एट इंटू 56 एलसीएम आ गया, एंड सेवन एट जा 56, तो ये हो गया 8 माइनस 7 अपॉन क्या वैल्यू बच गई आपके पास T2 माइनस 27, तो अगेन आप क्या वैल्यू आ गई आपके पास 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 8 से इसको कैंसिल कर दिया 56 को, तो ये 7 टाइम्स गया और 8 माइनस 7 1 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 1/7 और नीचे T2 माइनस 27। ठीक है, चलिए फटाफट क्या और हो सकता है, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो आपके पास T2 माइनस 27 इज इक्वल टू 1/7 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4 ऊपर ले जाइए, तो ये हो गया T2 माइनस 27 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, लेकिन मैं इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 टू द पावर 3, उसकी एक वजह है, देखेंगे उस वजह को, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 49 7 वन जा 7 एंड 4 11.9 एंड दिस ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब बस इसको डिवाइड कर दीजिए, तो T2 विल बी इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10 को अगर 11.9 से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो ये जाएगा आपका 8 टाइम्स, तो 8 9 जा 72, 8 1 जा 8 एंड 7 15 एंड 8 1 जा 8 95.2 बचा कितना, पॉइंट यहाँ ले लिया था 0.8 हो गया ये, तो ये बचा यहाँ पे कितना 4.8। ठीक है, तो 4.8 ये 48 हो गया, 4 टाइम्स अगेन गया, तो ये हो जाएगा आपका 4 9 जा 36 4 1 जा 4 और 3 7 4 1 जा 4 47.6, तो ये हो गया 0.4। ठीक है, 0.4 अब क्या हुआ, 0.4 आपके पास आ गया, तो इसको 4, तो ये 4 8.840 हो गया, तो T2 माइनस 27 इज इक्वल टू 0.840 इंटू 10 टू द पावर 3, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो T2 इज इक्वल टू 840 प्लस 27, तो T2 विल बी इक्वल टू 867 867 आंसर आ जाएगा।